राजस्थान के टोंक जिले की निवाई नगर पालिका के विकास कार्यों की जमकर तारीफ हो रही है, चाहे फिर वो प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों के वितरण को लेकर हो या फिर सड़कों के नवीनीकरण, तालाब बांध का सौंदर्यीकरण की बात हो, हर जगह निवाई नगर पालिका के अध्यक्ष दिलीप इसरानी के कार्यों की जमकर तारीफ हो रही है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता मंजू ने निवाई नगर पालिका के अध्यक्ष दिलीप इसरानी से विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। नमस्कार, आज हमारे साथ है निवाई नगर पालिका के नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, जो पट्टे वितरण में जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और इन्हें अजमेर संभाग में पट्टे वितरण के लिए सम्मानित भी किया गया है। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि इनका कार्य अभी किस तरह से चल रहा है और पट्टे वितरण इन्होंने आज कितने किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट। निवाई नगर पालिका द्वारा 3000 पट्टों का लक्ष्य रखा था, जिसमें हमने 15 अगस्त तक करीब 4500 पट्टे हमने दिए। तो राज्य स्तरीय आदरणीय मंत्री शांति धारीवाल द्वारा, स्वायत्त शासन सचिव केसी मीणा द्वारा कल ही निवाई नगर पालिका को सम्मानित किया गया है। अजमेर जोन में सी क्लास की नगर पालिका में हमारा प्रथम स्थान रहा है। पिछली बार भी जब 2010 से 15 के बोर्ड में हम चेयरमैन थे, तब भी हम अजमेर जोन के अंदर प्रथम स्थान पर आए थे। और इस बार मुझे खुशी है, सभी पार्षदों का भरपूर सहयोग रहा। प्रत्येक पार्षद घर घर डोर टू डोर जाके उन्होंने संपर्क किया, उसी का नतीजा ये रहा कि निवाई नगर पालिका अजमेर संभाग के अंदर प्रथम स्थान पर रही। सर, आपने नगर पालिका द्वारा पट्टे वितरित किए गए, इसके अलावा अभी और क्या कार्य यहाँ पर किया गया है निवाई नगर पालिका द्वारा? लगातार जब से हमारा बोर्ड बना है 2.5 साल से, लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। बड़े बड़े काम भी, अभी सामुदायिक भवन का काम शुरू हो गया है 7 करोड़ रुपए की लागत का। बहुत जल्दी प्रताप स्टेडियम, बस स्टैंड, शिवाजी पार्क, सेंट्रल पार्क, चौपाटी, इन सब का निर्माण हमने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, उसका भी निर्माण होने वाला है। और प्रत्येक वार्ड के अंदर रोडों का कार्य चल रहा है लगातार, सभी चीज़ों में निवाई नगर पालिका अव्वल रही है। सर, अभी आचार संहिता लगने वाली है, तो उस समय अब आपका कार्य किस तरह से चलेगा? आचार संहिता में जो टेंडर हो चुके हैं, जिनका वर्क ऑर्डर नगर पालिका द्वारा जारी किया जा चुका है, उनके कार्य लगातार जारी रहेंगे। आचार संहिता में नया वर्क ऑर्डर हम जारी नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्क ऑर्डर कार्य का हम दे चुके हैं, उसका कार्य लगातार जारी रहेगा। आगे की आपकी चुनाव भी आने वाले हैं, तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? वो चुनाव की रणनीति बाद में देखेंगे, चुनाव में किसको टिकट मिलता है, क्या होता है, पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद सर। पालिका अध्यक्ष निवाई के, और अभी इन्होंने बताया कि पट्टे वितरण में इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और इन्हें सम्मानित भी किया गया है अजमेर संभाग में। खबर फास्ट, मंजू अमर ढाबी, जयपुर। और इसी